लेकिन आज आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कैसे चीन का वुहान जहां से कोरोना समूचे विश्व में फैला वहां हमारे दर्द और मातम के बीच जमकर जश्न मनाया जा रहा है। भारत की तबाही पर नाचा ड्रैगन, चीन में जश्न, हिंदुस्तान में जहन्नुम। सारी दुनिया में इस वक्त कोरोना के कहर से त्राहिमाम मचा है। वैश्विक महामारी के दंश से ज्यादातर देश जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इसी कोरोना वायरस के चलते हिंदुस्तान ऐसी तबाही और बर्बादी से गुजर रहा है जिसके बारे में सुनकर आने वाली पीढ़ियां भी दंग रह जाएंगी। अस्पताल भर गए, शमशान भर गए, कब्रिस्तान भी भर गए, एक एक सांस पर संकट महसूस होने लगा है। सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, नाइट को भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। पर ये भी नहीं बता रहे हमें कि इसमें गैस है या नहीं है। जहाँ भी जा रहे हैं यही बोर्ड लगा, रिफिलिंग बंद है, गैस नहीं है वहाँ पर। सिलेंडर के लिए आए हैं, आप जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हॉस्पिटल नीचे ले जाने को रेडी नहीं है, बट पेशेंट को मारने के लिए रेडी है। लेकिन जानते हैं जिस चालाक ड्रैगन के चलते आज इंसानों के जीवन पर ही खतरा मंडराने लगा है वो इस वक्त बड़े पैमाने पर जश्न मनाने में डूबा है। ये चीन का वो वुहान शहर है जहां से निकलकर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। लेकिन आज यहां के हालात कैसे हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। हजारों की तादाद में गानों की धुन पर हजारों चीनी थिरक रहे हैं। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, जमकर जश्न मनाया जा रहा है। ना ही किसी के चेहरे पर मास्क है और ना ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी को कोरोना का कोई खौफ ही नहीं है, जबकि आज कोरोना के खतरे को हर इंसान समझता है। ऐसे में जहाँ से ये वायरस फैला वहीं से इस तरह की तस्वीर सामने आना हैरान करता है, वो भी तब जब दुनिया की कोरोना से जंग जारी है। के पास सिलेंडर नहीं है, वो तड़प रहे गैस बिल्कुल खत्म है, सांसें अटक रही। इन्होंने कुछ नहीं किया मेरी मम्मी के लिए। सारे लोग मर गए, सारे लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन दीदी कुछ नहीं, देखो मर गए, ले जाओ। एक ही जवाब है, बैठ रही है, बैठ रही है, बैठ रही है। कोरोना के कहर में चीन के अंदर झूमते गाते और जश्न मनाते इस आयोजन को चीन ने वुहान स्ट्रॉबेरी म्यूजिक फेस्टिवल नाम दिया है। सोचिए अभी तो इसका आगाज हुआ है, पूरे 5 दिन वुहान में ऐसे ही जश्न मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।